Hello everyone, this is Ashutosh Mishra from Simej Group of Institutions. Students, we are going to see here a problem which is related to general equation of circle. And the question is, find the center and radius of the circle. And the given equation of circle is, circle equation diya hua hai students, jo ki humare, which is given in the general form. So, isko sabse pehle hum log compare karenge. And the question is asking ki find the center and radius of the circle. So how to find a student center and radius of the circle when the question is given in general form. So what is the general form of equation, students? General form kya hoti hai circle ki? So we have x square plus y square plus 2gx plus 2gx plus 2fy plus c is equals to व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सेंटर. आपको मैं स्टूडेंट की देता हूँ फॉर्मूला, आप कंपेयर करके जी और एफ की वैल्यू निकाल सकते हो. बट मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं सेंटर के लिए अगर सेंटर निकालना है आपको तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. -1/2 कोफिशिएंट ऑफ जी, क्लियर. ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट. नेक्स्ट वी हैव -1/2 कोफिशिएंट ऑफ in the given equation, right? No need to worry about ki kaise hoga. To direct aapko nikal lena hai, -1/2 likh dijiye, ab multiply kar dijiye. Ab dekhiye yahan is question mein coefficient of x kya diya hua hai, 8 diya hua hai, likh diya. And then we have -1/2, and then we have what is the coefficient of y in the given question. So ye to general form hoti hai students, aap compare karke bhi likh sakte ho, but ab direct try karna. And then we have y is 10. क्लियर. तो दिस इज द इसका सिमिलर कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास स्टूडेंट, इसको कट कर देंगे तो 4 टाइम्स एंड इसको कट करेंगे तो 5 टाइम्स. क्लियर. देन वी हैव व्हाट इज द कोऑर्डिनेट, -4 एंड -5. क्लियर. नाउ फर्स्ट आंसर हैज डन कि सेंटर का हमने कोऑर्डिनेट निकाले. नाउ रेडियस कैसे निकालना है स्टूडेंट्स. रेडियस के लिए फॉर्मूला है हमारे पास. आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया स्टूडेंट्स कि कैसे हम लोग जनरल इक्वेशन ऑप्टेन करते हैं किसी सर्कल के लिए विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन, राइट. तो वहां से वो वीडियो आपको देख लेनी है तो डेरिवेशन पता चल जाएगा. रेडियस के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट्स. फॉर रेडियस वी हैव आर इज इक्वल टू √g² प्लस f² एंड -c. क्लियर. देन वी हैव व्हाट वैल्यू ऑफ जी हियर. तो जी देखिए ये जो स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेट आता है ये क्या होता है, इसकी कोऑर्डिनेट -g - f होती है. क्लियर. तो आप यहां -g - f मतलब जी की वैल्यू क्या है, मींस व्हाट आई एम गोइंग टू से कि इन द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल द सेंटर कोऑर्डिनेट इज -g - f और स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होती है h एंड k. तो आपको ये याद रखना है. तो जी की वैल्यू जो है वो क्या है, -4. तो -4 के स्क्वायर करनी है आपको और ऐसे होता है तो आप -4 का स्क्वायर करोगे तो देन वी हैव प्लस व्हाट इज द f स्क्वायर. तो f की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, -5. तो -5 का स्क्वायर करते हैं हम लोग एंड g² प्लस f² -c. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, कोफिशिएंट का देखिए यहां पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, c की वैल्यू क्या है स्टूडेंट. तो देखिए स्टूडेंट फॉर्मूले में क्या होता है, फॉर्म में क्या होता है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c होता है. तो c का कंपेयर करोगे तो आपको -8 मिलेगा. क्लियर. तो ये -8 है तो आप ऐसे लिख देना. c की वैल्यू क्या है, हियर हियर c इज इक्वल्स टू -8. क्लियर. नाउ द लास्ट 16 प्लस 25 प्लस 8 इन अ होल यू हैव ऑब्टेन्ड √49. क्लियर. √49 एंड विच इज इक्वल्स टू 7. विच इज इक्वल्स टू 7. दिस इज आवर रिक्वायर्ड 7 यूनिट. दैट्स आवर आंसर. क्लियर. तो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी हैव जस्ट learn ki how to find the center and radius of the circle when circle is given the general form. In next video we will try next problem. So student, thank you.
That's good for today. Stay tuned. Simej Patna online class. That's good, students. So next we are looking, students.